वाला है। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। बांदा में कई कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करेंगे। महाराणा प्रताप चौक पर प्रतिमा का अनावरण करेंगे। महाराजा खेत खंगार की प्रतिमा का भी अनावरण होगा। दो दिवसीय कालिंजर महोत्सव का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कालिंजर में मुख्यमंत्री की विशाल जनसभा भी प्रस्तावित है और नीलकंठेश्वर मंदिर के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उस वक्त की बड़ी जानकारी। 17 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ का बांदा दौरा संभावित है। बांदा में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी होगी। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियों में प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है। योगी सरकार बनने के बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई है। पिछले कई सालों से मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया है। मुख्तार फैमिली के 3 सदस्य जेल में भेज दिए गए हैं। अब्बास अंसारी की पत्नी निखत को पुलिस ने चित्रकूट जेल में रखा है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बांदा जेल में अभी मुख्तार अंसारी अपनी सजा काट रहे हैं। कासगंज जेल में कल ही मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल से शिफ्ट किया गया है और निकहत अंसारी चित्रकूट जेल में बंद है, वो वहां अपनी सजा काट रही हैं। तो मुख्तार के साथ साथ बहू और बेटा भी अब जेल में बंद है और सलाखों के पीछे है। परिवार के 3 सदस्य अपनी सजा काट रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी को छोड़ दें तो उनका पूरा परिवार अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। मुख्तार खुद बांदा जेल में बंद है तो बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल शिफ्ट किया गया है, तो मुख्तार की बहू चित्रकूट जेल में बंद है। प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई थी। पिछले कई सालों से मुख्तार अंसारी जेल में बंद है और हाल ही में उनके विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सलाखों के पीछे भेजा गया था। मुख्तार फैमिली के 3 सदस्य को भी जेल भेज दिया गया है। चित्रकूट जेल कांड के बाद अब अब्बास अंसारी को कासगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच अब्बास को कासगंज लाया गया। अब्बास अंसारी का काफिला कासगंज जेल पहुंच चुका है और अभी इसी गेट से अब्बास अंसारी की एंट्री हुई थी। इसी गेट से अब्बास अंसारी की गाड़ियां जो काफिला था पूरा अंदर जा चुका है और पूरी तरह से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और यहां पर पीएसी भी तैनात है। कोई भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ की तक मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने की एंट्री नहीं दी गई है। सब काफिला ही है जो रियायत सीओ कासगंज एएसपी कासगंज जी गाड़ियों के साथ मौजूद थे, वो भी अंदर गए। देखा जाए तो अब मुख्तार परिवार जेल की हवा खा रहा है। जेल में मुख्तार परिवार। बाहुबली मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखा गया है जबकि बेटे अब्बास अंसारी को कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया। इसके अलावा मुख्तार अंसारी की बहू और अब्बास अंसारी की पत्नी निकात को चित्रकूट जेल में रखा गया है। चित्रकूट जेल में पत्नी के साथ सीक्रेट मीटिंग कर फंसे अब्बास अंसारी की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। वह सरकार चित्रकूट जेल के अधिकारियों पर भी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। एक तरफ माफिया और उनके मददगारों पर कार्रवाई हो रही है तो विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। जेल में विधायक बंद है, अगर परिवार का कोई मिलने भी नहीं दिया जाएगा और झूठे केस में फंसा करके जेल भेज दिया जाएगा तो वही तो मैंने कहा विपक्ष को ही खत्म करना चाहते हैं। अब्बास और निकट की सीक्रेट मुलाकात के बाद चित्रकूट जेल की सुरक्षा को और दुरुस्त करने के जेल प्रशासन ने शासन से 2 दर्जन से ज्यादा कैमरों की मांग की है। जेलर का कहना है पहले भी कड़ी निगरानी रखी जा रही थी, अब और विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है। टीम न्यूज।